और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 के साइंस के चैप्टर नंबर 15 विच इज सम नेचुरल फिनोमेना। तो आज हम लोग इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने लाइटनिंग के बारे में देखा था, ठीक है। सो आज हम लोग पार्ट 2 में अर्थक्विक्स के बारे में देखेंगे कि अर्थक्विक्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो हमारा पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 आपको माय चैनल पे मिल जाएगा और मैं आई बटन पे भी वो आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी। आप आई बटन से भी जाके पार्ट 1 पहले देखिए, उसके बाद अगर आप पार्ट 2 पाएंगे तो आपको पार्ट 2 ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो पार्ट 2 का हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, दैट इज अर्थक्विक्स। तो अर्थक्विक्स बेसिकली होते क्या हैं? An earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth which is caused by the earth crust. And वो कितने समय के लिए होता है? ऐसा नहीं होता ना कि एक महीने तक अर्थक्वेक आता है या फिर दो दिन तक अर्थक्वेक आता है लगातार, ऐसा नहीं होता है ना। अर्थक्वेक सिर्फ एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है। वो एक सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द क्रस्ट होता है। तो क्रस्ट क्या होता है? हमने पढ़ा है कि अर्थ के 3 यहाँ पे हिस्से होते हैं। बीच वाला क्या होता है? कोर। इनर कोर भी होता है, इसके अंदर भी एक छोटा वाला होता है जिसको हम बोलते हैं इनर कोर, ठीक है। एक होता है हमारे पास इनर कोर और एक हमारे पास क्या होता है? आउटर कोर, ठीक है। इनर कोर और आउटर कोर, ठीक है। तो ये वाला हमारा कौन सा है? आउटर कोर है। फिर ये हमारा क्या होता है? मैंटल, ठीक है। तो ये हमारे पास आता है मैंटल। फिर हमारे पास क्या आता है? फिर हमारे पास आता है यहाँ पे ये वाली लाइन नहीं है हमारे पास, इसके बाद हमारे पास एक बस पतली सी लेयर आती है जिसे हम क्या बोलते हैं? पतली सी लेयर आती है जिसे हम बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो जब क्रस्ट हिलता है तभी क्या होता है? जब क्रस्ट हिलता है तभी अर्थक्वेक्स फॉर्म होते हैं, है ना। ये हमने देखा कि जब क्रस्ट चलता है तभी अर्थक्वेक फॉर्म होते हैं। तो इसके लिए ना हमें एक प्लेट्स का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना वो हमें सीखना पड़ेगा। इसका मतलब मैं समझाती हूँ। अभी हमको पता है कि हमारा ब्रेन कैसा होता है। ब्रेन हम लोग मतलब जो मस्कुलर ब्रेन होता है वो नहीं बात कर रहे हैं, हम लोगों को पता है कि हमारा ब्रेन भी तो एक स्केलेटन के मतलब अंदर ही रहता है ना। तो वो कहाँ किसके अंदर रहता है? हमारा जो ब्रेन रहता है वो ब्रेन स्केलेटन के अंदर रहता है। तो आप लोगों ने देखा होगा बाहर से जो ब्रेन का ऊपर का स्केलेटन होता है वो कैसा दिखता है, उसके मान लो इस टाइप में, बस ऐसे एग्जाम्पल के रूप में बना रही हूँ। तो उसके अंदर आपने देखे ना जो ब्रेन का हमारे पास वो होता है, क्या बोलते हैं हमारे पास स्केलेटन, आपने उसके अंदर क्रैक्स देखे होंगे, बहुत सारे क्रैक्स होते हैं जिनको मिलकर वो बनता है, ठीक है। तो अब आप यही जितने भी क्रैक्स हैं ना, आप इन सारे क्रैक्स को क्या समझ सकते हो? हमारा जो अर्थ का क्रस्ट होता है ना वो भी पता है कैसा होता है? मान लो ये हमारा अर्थ है, उसका जो क्रस्ट होता है वो कैसा होता है? उसके अंदर सर्टेन मतलब प्लेट्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको मिला के हमारा अर्थ बनता है। ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको मिलाकर हमारे अर्थ बनते हैं। तो ये जो अर्थ होता है ये छोटे छोटे टुकड़ों से बनता है, जो क्रस्ट मतलब क्रस्ट के बाहर होता है। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्रैगमेंट्स भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? और इन्हें हम बोलते हैं प्लेट्स, ठीक है। इन प्लेट्स से मिलकर हमारा क्रस्ट बनता है, क्रस्ट से क्रस्ट के ऊपर हम रहते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमारा ये प्लेट्स हमारा इस अर्थक्वेक में कैसे आया, मतलब अभी तो हम अर्थक्वेक की बात कर रहे थे, हम लोग लाइक ज्योग्राफी में कैसे पहुंच गए? तो ये जो हमारा प्लेट्स था ये हमारे अर्थक्वेक से ही रिलेटेड है। अब देखो ये जो प्लेट्स हैं ये छोटे छोटे टुकड़े हैं जिस जो मतलब क्रस्ट एक छोटे छोटे टुकड़ों से बना है जिन्हें हम प्लेट्स बोलते हैं। तो जब ये प्लेट्स का मूवमेंट होता है, मान लो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक पहला प्लेट है एंड दूसरा प्लेट है, ठीक है। तो मान लो ये दो प्लेट हैं, जब ये दोनों प्लेट्स हमारे मतलब आपके जो घर में प्लेट होता है उसकी बात नहीं हो रही है, आपके अर्थ के क्रस्ट के जो प्लेट्स होते हैं उनकी बात हो रही है। तो जब ये दोनों प्लेट्स, मान लो यहाँ पे ये दोनों प्लेट्स हैं, ये वाला प्लेट एंड ये वाला प्लेट, तो मान लो ये जब दोनों प्लेट्स एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक है, जब एक दूसरे के साथ ब्रश होते हैं या फिर मतलब उनके साथ मतलब लाइक उनसे टकराते हैं जब एक दूसरे से प्लेट, ऐसे तो एकदम स्टेबल हैं, है ना, ऐसे तो एकदम ये सब चिपके हुए हैं अच्छे से स्टेबल तरीके से हैं वहाँ पे। लेकिन क्या होता है ना, ये सब कभी कभी ऐसा कुछ अर्थ में मूवमेंट होता है, वाइब्रेशन होता है अर्थ के अंदर, जिससे जो प्लेट्स होते हैं ना एक दूसरे से टकराना स्टार्ट कर देते हैं। और जब टकराते हैं तो इनके आसपास के एरियाज जितने भी होते हैं वहाँ पे क्या आ जाता है, इनके आसपास के एरियाज में
अर्थक्वेक फील होता है, ठीक है। तो इन प्लेट्स में जितने भी कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पे ये जो मूवमेंट होता है सडन शेकिंग ऑफ प्लेट्स, ये उनको एक अर्थक्वेक के नाम से फील होता है, ठीक है। तो इसी को हम अर्थक्वेक बोलते हैं, ओके। सो जो हमें पता है कि बहुत सारी कंट्रीज में बहुत, जैसे जापान है ना, जापान में आप लोग सुनते हो कि बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, लेकिन वहाँ के लोग इतने वो है कि वो लोग जैसे ही अर्थक्वेक आता है वो अपना सारा, मतलब उनका भी तो घर टूटता होगा, है ना, उनका घर टूटता होगा, मतलब उनके फैमिली मेम्बर्स भी, मतलब लाइक उनके उनको भी मतलब वो उनको भी हॉस्पिटलाइज होना पड़ता होगा, या फिर कुछ के फैमिली मेम्बर्स डाई हो जाते होंगे अर्थक्वेक के। वहाँ पे हम लोग सकते हैं ना साल वन ईयर में दो बार अर्थक्वेक्स आते हैं। ऐसा क्यों है, उसी एरिया में क्यों आते हैं? उसी एरिया में इसीलिए आते हैं ना कि मैंने बोला कि यहाँ पे दो प्लेट्स के आसपास जितने भी कंट्रीज रहेंगे वहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा, मतलब मान लो ये दो प्लेट हैं और अगर मान लो यहाँ पे कोई कंट्री है, यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, तो उनको क्या होगा जब शेक होगा हमारा अर्थ का क्रस्ट, तो उनको ज़्यादा होगा ना यहाँ वाले लोगों से। मान लो यहाँ पे भी एक कंट्री है एंड यहाँ पे भी एक कंट्री है और ये बीच में एक कंट्री है, तो किससे सबसे ज़्यादा फील होगा? बीच वाले को ही फील होगा। तो जो जापान है हमारा वो एकदम दो प्लेट्स के बीच में बना हुआ है, जिसके वजह से क्या होता है वहाँ पे अगर थोड़ा सा भी स्लाइटली मूवमेंट भी होता है ना क्रस्ट का, मतलब प्लेट्स अगर थोड़ा भी हिलते डुलते हैं ना, तो उससे क्या होता है उनके कंट्री पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ना। तो ये हमारा था अर्थक्वेक का, हमारा जो मतलब इस चैप्टर में हमारा टॉपिक बचा था अर्थक्वेक, ये हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक। सो आवर नेक्स्ट सब टॉपिक इज अबाउट फॉल्ट जोन्स, ठीक है। तो फॉल्ट जोन्स क्या होते हैं? मैंने बताया कि जब यहाँ पे मान लो एक प्लेट है, एक प्लेट यहाँ पे, एक प्लेट यहाँ पे है, दो प्लेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो प्लेट्स होते हैं ना वो क्या होता है, उनका कोई फिक्स्ड शेप या साइज नहीं होता, वो कैसे भी शेप्स के होते हैं, ठीक है। और इस प्लेट्स को ना आप कैसे रिलेट कर सकते हो, दो एग्जांपल्स देके आप रिलेट कर सकते हो। एग्जांपल नंबर वन, ब्रेन का जो मस्कुलर होता है, ब्रेन रियल वाला नहीं, ब्रेन का जो स्केलेटन आपने बाहर से देखते हो ना, वो वाला स्केलेटन ऑफ ब्रेन। सेकेंड, आप इसको किससे रिलेट कर सकते हो? फुटबॉल से रिलेट कर सकते हो। फुटबॉल कैसे? आपने देखा है हमारे फुटबॉल है, ठीक है। फुटबॉल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे इसी टाइप के शेप्स से शेप्स को मिलकर वो बनता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रियल ड्राइंग नहीं बना रही अभी, सिर्फ एग्जांपल के लिए। तो इसी टाइप से कुछ फुटबॉल बनता है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट करके बहुत सारे एरिया होते हैं, उसे आप प्लेट से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग मतलब फॉल्ट जोन्स के बारे में बात करते हैं। तो फॉल्ट जोन क्या होते हैं? मैंने बताया जैसे कि जापान एक फॉल्ट जोन में है, मतलब वो कहाँ लाई करता है, दो प्लेट्स के बीच में ऑलमोस्ट लाई करता है, या फिर अगर कोई कंट्री यहाँ पे लाई करती है, एकदम प्लेट्स के आसपास जितने भी एरियाज लाई करते हैं ना, उन सबको हम क्या बोलते हैं, उन सबको हम बोलते हैं फॉल्ट जोन्स, ठीक है। फॉल्ट जोन्स को और हम क्या बोल सकते हैं, फॉल्ट जोन्स आर ऑल्सो नोन एज सिस्मिक जोन्स, ठीक है। फॉल्ट जोन्स को हम सिस्मिक जोन बोलते हैं। तो फॉल्ट जोन्स मतलब वीक जोन्स वेयर अर्थक्वेक्स आर लाइकली टू बी अकर, ऐसे जोन्स जो एकदम प्लेट्स के आसपास में ही बने रहते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं फॉल्ट जोन्स और सिस्मिक जोन्स। तो इंडिया में कौन कौन से फॉल्ट जोन्स और सिस्मिक जोन्स हैं? इंडिया में आप लोगों को पता है जो हमारे पास सेंट्रल हिमालयाज होते हैं और जो नॉर्दर्न ईस्ट में जितने भी एरियाज होते हैं वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंजर जोन होते हैं। मतलब अब मान लो हम, मतलब हमारा जो अर्थ है, मतलब हमारा जो इंडिया है यहाँ पे, तो हमारा जो इंडिया, आपने उसका तो शेप देखा ही होगा, कुछ इस टाइप से होता है ना। तो मान लो ये इंडिया का जो हमारा शेप है कुछ इस टाइप से होता है, तो इंडिया का शेप ऐसा नहीं कि इंडिया एक पूरा प्लेट है, ऐसा नहीं है। इंडिया के बीच में ये वाला कोई प्लेट हो सकता है और ये वाला भी कोई प्लेट हो सकता है जिसके बीच में इंडिया लाई कर रहा है। तो जितने एरियाज यहाँ पे पड़ेंगे वो सब क्या आ जाएंगे, वो सब एक फॉल्ट जोन बन जाते हैं, है ना। तो फॉल्ट जोन और सिस्मिक जोन भी हमने यहाँ पे सीख लिया है। एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे आता है, दैट इज रिचर्ड स्केल। तो रिचर्ड स्केल क्या होता है?
रिचर स्केल मतलब देख लेते हैं हम, रिचर स्केल मतलब द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल कॉल्ड इट रिचर स्केल। तो जो पावर होता है अर्थक्वेक का वो मतलब उसको भी तो कुछ एक्सप्रेस करेंगे ना, जैसे कि बोलते हैं ना कहीं पे बोलते हैं कि 3.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, कहीं बोलते हैं एकदम डेंजर जोन 5, अगर 5 से ऊपर चला जाता है तो डेंजर जोन में आ जाता है, कहीं पे बोलते हैं 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। तो उसी को जो मेजर करते हैं ना, मतलब जो पावर होता है ना, मतलब उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम किसकी मदद से एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं रिचर स्केल। तो रिचर स्केल आपके टेक्स्ट बुक में भी है डेफिनेशन, कहाँ पे डेफिनेशन 193, ठीक है 193 पे हमारे पास डेफिनेशन, ठीक है 193 पेज है, 193 पेज पे हमारे पास डेफिनेशन गिवन है ऑफ रिचर स्केल। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सिस्मोग्राफ, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ क्या होता है, सिस्मोग्राफ मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब दो, देखो यहाँ पे हमारे पास है पहला प्लेट, यहीं पे हमारे पास क्या है दूसरा प्लेट, ठीक है। तो जब मैंने बताया आपको कि दो प्लेट्स जब एक दूसरे से टकराते हैं तभी अर्थक्वेक कॉज होता है, स्लाइटली भी अगर वो टकराएंगे तो थोड़ा सा तो अर्थक्वेक कॉज होगा ही। तो जहाँ पे ये टकराते हैं, देखो सिस्मोग्राफ का हम लोग समझ रहे हैं, मान लो ये जो हमारे पास दो प्लेट्स हैं ये इस एरिया में टकरा रहे हैं ना, ये वाला जो लाइन जो मैं बना रही हूँ यहाँ पे, ये दोनों प्लेट्स क्या हो रहे हैं क्रैश कर रहे हैं एक दूसरे को। तो मान लो ये इनका मिडिल पॉइंट हो गया, जिसको हम क्या बोल सकते हैं फोकस पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे फोकस पॉइंट। तो ये फोकस पॉइंट से ही यहाँ पे कुछ वेव्स क्रिएट होती हैं, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे फोकस पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फोकस पॉइंट है, फोकस पॉइंट से क्या होता है बहुत सारे वेव्स क्रिएट होते हैं। जब ये वेव्स क्या करते हैं किसी भी एरिया को, मान लो ये वाला जो वेव है इसने इस एरिया को टच किया है, तो यहाँ पे जितनी भी लैंड हो गई वहाँ पे अर्थक्वेक महसूस होगा, ठीक है। तो जब ये फोकस पॉइंट जब ये टकराते हैं तो एक फोकस पॉइंट बनता है, ठीक है। एंड ये जो फोकस पॉइंट होता है ये क्या करता है, बहुत सारे वेव्स भी अपने आप से प्रोड्यूस करता है। तो ये जो वेव्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सिस्मिक वेव्स होते हैं इन्हें भी रिकॉर्ड करने का एक इंस्ट्रूमेंट आता है, जिसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। इसी भी रिकॉर्ड करने का, मतलब जो हमारे पास वेव्स आ रही है इन्हें भी रिकॉर्ड करने का हमारे पास एक लाइक इंस्ट्रूमेंट आता है, जिसे हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो उस वो इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, बहुत ही इजी होता है, आप इसे खुद भी घर में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास, मतलब लाइक बना तो नहीं सकते हो इसमें, अगर आपको इतना मन करा है बनाने का तब आप बना सकते हो। आपको क्या करना है, इस टाइप से दो वुडन लॉक्स को लेना है, फिर आपको क्या करना है यहाँ से एक स्ट्रिंग यहाँ से करना है, फिर जो हमारे पेन होते हैं ना, पेन का जो आगे वाला हमारे पास होता है सिर्फ निब, जिसे हम बोलते हैं सिर्फ ऊपर का जो निब होता है वो आपको लेना है। ये हमारे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के थ्रू आपको इस निब को यहाँ पे लटका देना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे तो पेपर ऑब्वियसली होगा ही होगा, तो इस पेपर के ऊपर आपको क्या करना है, इस पेपर के ऊपर आपको एक रोटेटिंग डिवाइस रखना होगा। रोटेटिंग डिवाइस मतलब जैसे कि मान लीजिए आपके पास जैसे कि टायर होते हैं ना, टायर्स वो रोटेट करते रहते हैं ना जब हम उसे चलाते हैं, तो वैसे ही आपको कुछ ऐसा ही रोटेटिंग डिवाइस रखना पड़ेगा। और वो क्या होना चाहिए ना, जैसे कि उसके ऊपर पूरा पेपर कवर्ड होना चाहिए, ठीक है। या फिर आप क्या कीजिए, कोई पाइप लीजिए, पाइप के ऊपर एक पेपर कवर कर दीजिए, उसके बाद उसको मोटर से कनेक्ट करके यहाँ पे मोटर आप रख दो, और उसके बाद जब आप मोटर ऑन करो तो ऐसा होना चाहिए ये रोटेट करना स्टार्ट कर जाए। और यहाँ पे पेन है ही, तो इसके अंदर थोड़ी इंक भी होनी चाहिए, पेन के निब के अंदर थोड़ी सी तो इंक होनी चाहिए। फिर आपको क्या करना है, मोटर ऑन करना है। तो जैसे ही आप मोटर ऑन करोगे
ये जो स्ट्रिंग है आप इसको ज़मीन पे रखो, बट स्ट्रिंग को नहीं, ये जो पूरे डिवाइस है इसको ज़मीन पे रखो। जैसे ही आप मोटर ऑन करोगे तो ये जो स्ट्रिंग होगा ना वो थोड़ा थोड़ा, मतलब अगर अर्थक्वेक आ रहा है तब आप ये करना, नॉर्मल आप अपने घर में करोगे तब नहीं होगा, ये काम नहीं करेगा। जब अर्थक्वेक आएगा तब आप इस चीज़ को यूज, लेकिन अर्थक्वेक आएगा तो ऑब्वियसली आप ये सब तो नहीं करोगे, आपको अपनी सेफ्टी को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब जितने भी मतलब जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं जो इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, वो ये सब काम करते हैं, आपको ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब आपको तो तब सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ेंगे, जो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कि आपको क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए अगर आपके एरिया में अर्थक्वेक हिट करता है तो, ठीक है। सो एग्जाम्पल में मैं बता रही हूँ, ट्राई मत करना आप लोग। तो क्या करना, मतलब जितने भी लोग ट्राई करते हैं, बड़े बड़े लोग जो उसमें एकदम माहिर होते हैं, वो उसको एकदम जब अर्थक्वेक आता है उनको महसूस होता है कि अर्थक्वेक आया, तो वो इस डिवाइस को निकालते हैं, ज़मीन पर रखते हैं। फिर क्या होता है ना, जब अर्थक्वेक आता है तो ये जो वेव्स होते हैं ये ज़मीन को हिलाते हैं, तभी तो वहाँ पे बिल्डिंग टूटती है, घर गिरता है, ठीक है। तो ये ज़मीन पे रखते हैं जिसके वजह से क्या होता है, ये स्ट्रिंग हिलता है, और ये जो आप जब मोटर ऑन करोगे तो ये पेपर तो रोटेट होगा ही, जब ये स्ट्रिंग हिलता है तो ये पेन भी ऑब्वियसली, पेन के अंदर इंक रहेगा तो पेन ऑब्वियसली ऐसे चलने लगेगा, ठीक है। तो जब भी मान लो कोई, ये पेन आपने अपने इस पे रखो, मान लो मैंने अपने वाइट बोर्ड पे अपना मार्कर रखा है, और मान लो अगर ये मेरा वाइट बोर्ड ऐसे ऐसे हिलने लगे तो ये पेन भी तो हिलने लगता है ना अपने आप, ठीक है। इसको मैं अगर ढीला छोड़ दूंगी तो फिर क्या होगा, ये पेन भी तो ऑटोमेटिकली हिलने लगेगा जब, अगर ये हिलेगा तो, है ना। वाइट बोर्ड अगर मेरा, मान लो ये वाइट बोर्ड मेरा हिल रहा है तो ये पेन भी मेरे हिलने लगेगा, है ना। तो ऐसे ही होता है इस थिंग के साथ भी। फिर जैसे आप न्यूज़ में देखते हो ना, अगर मान लो किसी एरिया में अर्थक्वेक आता है तो आप लोग देखते हो ना कि इतने मैग्नीट्यूड से आया, इतने उससे आया, तो वो सब वही लोग करते हैं जो इन सारी चीज़ों में माहिर होते हैं। तो वो सब इन्हीं सारी छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके हमें पता लगवाते हैं कि यहाँ पे कितना हाई आया। तो मान लो इस टाइप के कुछ वेव्स क्रिएट होते हैं उस पेन से, तो जितने हाई ये वेव्स होंगे उतना हाई स्पीड में आया होगा अर्थक्वेक वहाँ पे, ठीक है। जितने ये लो होंगे, मतलब धीरे धीरे से हिल होंगे, तो उतना लो अर्थक्वेक आया होगा उस एरिया में, ठीक है। तो ये था हमारा सिस्मोग्राफ, हमने इंट्रोडक्शन, मतलब सिस्मोग्राफ का जो टॉपिक था वो हमने देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम अर्थक्वेक, सेफ्टी मेजर्स आपको अर्थक्वेक में क्या लेनी चाहिए। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट। So our last topic is about precautions to be taken under earthquakes, ठीक है। So अगर earthquakes आते हैं तो आपको क्या precautions लेने चाहिए, इसके दो चीज़ें हैं, अगर आप घर के अंदर हो और अगर आप घर के बाहर हो। तो अगर आप घर के अंदर हो तो आपको क्या क्या precautions लेने चाहिए, तो पहली चीज़ आपको क्या करनी चाहिए, टेक शेल्टर अंडर अ टेबल, स्टे देयर स्टिल शेकिंग स्टॉप्स। तो आपको अगर आपके घर में लाइक टेबल है, बेड के नीचे आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो मतलब अगर एग्जांपल में अगर मान लो आपको घर गिरने लगा, तो ये देखो आपका ये बेड है, ठीक है, आपका ये बेड है और आप यहाँ बेड के नीचे हो, ठीक है, आप छुप गए, अर्थक्वेक आ रहा है तो बेड के नीचे हो, तो ऑब्वियस ही बात है अगर मान लो बिल्डिंग टूट के गिरना स्टार्ट हो गई, तो ये जब बिल्डिंग टूटेगी तो आपके ऊपर गिरेगी और आप बेड के नीचे से निकल ही नहीं पाओगे, बेड आपके ऊपर ही आ जाएगा, है ना, तब तो और डेंजर सिचुएशन हो जाएगी ये। एंड अगर आप किसी हल्के चीज़ के नीचे हो, अगर मान लो तो मतलब आप किसी एकदम हल्के से टेबल के नीचे हो, हल्के से टेबल के नीचे आप अगर बैठे हुए हो, तो वहाँ पे कम चांसेस है, क्योंकि अगर मान लो कुछ गिरेगा तो आपको लाइक मतलब आप इतनी भी ज़्यादा उसके अंदर नहीं दब जाओगे, बेड तो बहुत भारी होता है, आप छोटे से टेबल के अंदर रहोगे तो आप जल्दी से निकल के दूसरे एरिया में जाके छुप सकते हो, ठीक है। एंड अगर अर्थक्वेक आता है तो और दूसरी चीज़, आप अगर आप घर पे हो ना तो आप क्या करो, किसी बड़े से ना फील्ड में चले जाओ, ओके। आप घर में हो तो घर में तो घर टूटने के ज़्यादा चांसेस हैं, आपके ऊपर घर टूट जाएगा तो कुछ भी हो सकता है आपके साथ, ठीक है। तो इसलिए आप घर से जल्दी जल्दी, जैसे आपको फील हो, आप बड़े से फील्ड में जाओ, ग्राउंड में जाओ, सबके साथ रहो, बहुत सारे लोगों के साथ रहो, जिससे आप ज़्यादा सेफ रहोगे, ठीक है। एंड एक खुले एरिया में जाओ, मैं और लाइटनिंग में क्या था, लाइटनिंग में कभी भी एक खुले एरिया में नहीं जाना चाहिए, तब आपके ऊपर ज़्यादा जल्दी इफेक्ट, मतलब वो लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकती है। लेकिन अर्थक्वेक में आपको फील्ड में, खुले एरिया में जाना चाहिए, क्योंकि वैसे तो आप सबके साथ रहोगे, सारे लोग बाहर आ जाएंगे, ठीक है, आपको और प्रोटेक्शन फील होगा। और दूसरी चीज़, अगर आप घर के ऊपर रहोगे तो जैसे बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोग मलबे के नीचे पाएगा, तो घर में रहते हैं जिनके वजह से उनके ऊपर घर गिर जाता है, तो घर गिरेगा तो और ज़्यादा, है ना। आप अगर ग्राउंड में रहोगे तो आपके ऊपर क्या गिर सकता है, लाइक
ऐसा भी सकते हैं कि मतलब ट्रीज गिर सकते हैं, लेकिन ट्रीज भी तो मतलब लाइक उतना हार्म नहीं करेंगे ना जितना घर आपके ऊपर बिल्डिंग गिर जाए तो. ओके नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स. आपके घर में अगर कहीं पे जैसे मैंने बोला बेड है, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, फैन है, फैन के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं रहना है. ठीक है, सबसे अच्छा घर से बाहर निकल जाओ आप. एंड मैंने जैसे बोला फील्ड में जाओ, तो फील्ड में भी आने के बाद एकदम खुले एरिया में रहना है. मान लो ये फील्ड है, फील्ड के यहाँ पे सारे तरफ पेड़ पेड़ है, तो आपको पेड़ के पास नहीं रहना, पेड़ से थोड़ा सा दूर यहाँ पे आपको रहना है. ठीक है, तो टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट से आपको दूर रहना है. एंड अर्थक्विक आता है तो फैन के पास तो बिल्कुल नहीं रहना, फैन तो गिरेगा तो मतलब उसमें वो तो और भी ज्यादा शार्प होता है ना, आपके बॉडी के ऊपर गिर सकता है. नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपको अगर आप बेड पे हो, एग्जाम्पल अगर आप बेड पे हो तो लाइक अगर भागने के चांसेस एकदम कम हो गए हैं, बिल्डिंग से बाहर निकलने के चांसेस एकदम ही कम हो गए हैं, तो आपको क्या करना है ना, आपके घर में अगर बहुत ही मोटे मोटे पिल्लोज हैं, देन जितने भी पिल्लोज हैं मोटे मोटे जो कंबल होते हैं ना आपके घर में, आप जल्दी से निकाल के उसको अपने बॉडी के ऊपर रख लो. अगर एकदम भागने के चांसेस एकदम कम हो गए हैं, एकदम लेस चांसेस आप घर के बाहर निकल नहीं सकते हो, ठीक है, ऐसे चांसेस हो गए तो अपने बॉडी के ऊपर पूरा पिल्लो से कवर कर दो. आप कब करोगे, जब एकदम निकलने के चांसेस कम है. ऐसे क्या प्रोटेक्शन होगा ना, अगर घर आपके ऊपर गिरा तो क्या होगा, आपके ऊपर पिल्लोज रहेंगे जिसकी वजह से आप सेफ रहोगे. ठीक है, थोड़े चांसेस होते हो सेफ ही रह सकते हो. अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर आप आउटसाइड हो तो पहली चीज़ आपको क्लियर स्पॉट्स के पास जाना है और बिल्डिंग्स और ट्रीज से तो दूर ही रहना है. एंड जो इलेक्ट्रिकल पोल्स होते हैं उनसे भी दूर रहना है. एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ़ यू आर इन अ कार और अ बस डोंट कम आउट. अगर आप कार या बस में हो तब तो मतलब लाइक नॉर्मल चांसेस है, कार या बस में हो तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं. ठीक है, कार या बस में हो तो आपको बस या कार में ही रहना है, बाहर निकलना तो बिल्कुल भी नहीं है अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो. ठीक है, सो ये सारे थे हमारे केस की, हमारे अगर आप घर पे हो और अगर आप घर के बाहर हो तो ये सारी चीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए. अब यहाँ पे हमारे पास एक और प्रिकॉशन आता है कि मान लो आपका घर कहाँ पे है, फॉल्ट जोन में है. ठीक है, फॉल्ट जोन मतलब जहाँ पे ज़्यादा अर्थक्विक्स आते हैं. अगर आपका घर फॉल्ट जोन या फिर सिस्मिक जोन जैसे हम बोलते हैं, वहाँ पे तो आपको क्या करवाना चाहिए, पहली चीज़ आपके अपने घर को एकदम लाइट वेटेड चीज़ों से बनाना चाहिए. लाइट वेटेड चीज़ों मतलब ब्रिक से नहीं बनाना चाहिए आपको. आपने देखा होगा जहाँ पे भी सिस्मिक फॉल्ट जोन्स होते हैं वहाँ पे लोग अपने घर को एकदम टिकाऊ बनाते हैं, मतलब अगर वो टूट भी गया तो उनका ज़्यादा पैसा वेस्ट नहीं होगा. और अगर आप उस टाइप के एरिया में रहते हो तो आपको सीमेंटेड मतलब सेल्फ्स होते हैं ना, सीमेंटेड शेल्फ्स, वो सब नहीं लगवाना है. आप लगवा सकते हो नॉर्मल मोटे मोटे एकदम कार्डबोर्ड आते हैं, फिर जो पेपर के भी एकदम बहुत मोटे मोटे आते हैं वैसे लगा सकते हो. स्टिक्स एंड स्ट्रॉज इन सब का यूज़ करके आप घर बना सकते हो, उन सब से भी बहुत अच्छे अच्छे घर बनते हैं, ऐसा नहीं है. लेकिन अगर आपका घर टूटा आपको ही नुकसान होगा अगर आपने बहुत महंगी महंगी चीज़ें लगवाई हो तो, फॉल्ट जोन में रहते हो तो उससे अच्छा आप कम टिकाऊ चीज़ों से अपना घर बनाओ. अगर आप गलती से आया तो आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा. ठीक है, ये बहुत ही बड़ा है. और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा आप घर किससे बनवाओ, तो बहुत सारे आर्किटेक्ट भी होते हैं, आप उनके मतलब लाइक आप उनसे भी पूछ सकते हो आपको अपना घर कैसे बनवाना है. ठीक है, तो ये था हमारा क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 15 सम नेचुरल फिनोमेना का पार्ट 2. एंड यहीं पे हमारा जो पूरा चैप्टर है ये खत्म होता है. एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए. थैंक यू.